आज का कॉन्सेप्ट आपका हेल्पिंग वर्ब विथ टू मोडल्स के अंदर प्रयोग किया जाता है और ये दो तीन वर्ड ऐसे हैं जो बहुत बार हम यूज में करते हैं यूज में लेते हैं सॉरी हैज टू हैव टू हैड टू और एक सबसे ज्यादा यूज होते हैं यूज्ड टू और बिगेन टू। तो ये जो वर्ड हैं इनका क्या मीनिंग होता है और कैसे इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है आज जल्दी से इस टॉपिक को करेंगे। तो इसमें पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और कैसे इनको हम यूज करते हैं। हैज टू हैव टू फर्स्ट है जो हमारा हैज टू हैव टू इसका जो मीनिंग है हिंदी में जब इसकी ट्रांसलेशन के हिसाब से इसको हम देखते हैं ना है नी है ने है या पढ़ता है पढ़ती है और पढ़ते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारा वो बनता है सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल अगर हम लें जैसे ही हैज टू कम ही हैज टू कम। अब बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई ये हम कैसे यूज करते हैं हमें सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है बुक के अंदर या कहीं पे भी ही हैज टू कम और जब हम उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं नेट की सहायता से या किसी भी और चीज की सहायता से तो उसमें लिखा मिलता है ही हैज टू कम उसे आना पड़ता है उसे यानी उसे आना पड़ता है ही हैज टू कम। तो वहां पे इन चीजों का हम यूज करते हैं और जब इन चीजों के बारे में हम सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। अब जैसे हैज या हैव का प्रयोग है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं टू उसके साथ प्रयोग होता ही है। इसके बाद है हैड टू। हैड टू का मतलब है ना था नी थी ने थे या पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे। अब सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें सब्जेक्ट हमारा चाहे कौन सा ही रहे इसके अंदर हम हैड का ही प्रयोग करते दे हैड टू को दे हैड टू को उसे जाना पड़ता यानी उन्हें जाना पड़ता था उन्हें जाना पड़ता था। नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव या शैल हैव आता तो है लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं विल हैव। मोडल्स के अंदर हम इनका भी प्रयोग करते हैं ये किसमें यूज होते हैं मोडल्स के अंदर यूज होते हैं ये सारे वर्ड। तो विल हैव टू ना होगा नहीं होगी या नहीं होगी यानी पड़ेगा पड़ेगी या पड़ेंगे। तो इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें सी विल हैव टू गो उसे जाना पड़ेगा उसे जाना पड़ेगा सी विल हैव टू गो। नेक्स्ट है इज एम आर अबाउट टू। अब इज एम आर अबाउट टू या इज एम आर प्लस टू यानी टेंथ के अंदर जो वर्ब आती है कई बार लिखा आ जाता है उसके अंदर इज एम आर और उसके साथ टू लिखा आता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो अबाउट टू तो है ब्रिटिश इंग्लिश इज एम आर प्लस अबाउट टू ब्रिटिश इंग्लिश और अगर अकेला टू देते हैं इज एम आर टू तो वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है वाला है वाली है या वाले है। तो इसमें सब्जेक्ट बनेगा हमारा सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज्ड इज प्लूरल सब्जेक्ट आर एंड आई के साथ एम आता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अबाउट टू कम या ही कर दो ही इज अबाउट टू कम ही इज अबाउट टू कम वह आने वाला है वह आने वाला है। आई एम अबाउट टू गो मैं जाने वाला हूं
एज यू, इसको भी यूज कर सकते हो आप. नेक्स्ट है वाज वर अबाउट टू, ये इसका पास्ट हो जाएगा, वाला था, वाली थी और वाले थे. सब्जेक्ट वाज वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दे वर अबाउट टू रीच, दे वर अबाउट टू रीच, वे पहुंचने वाले थे, वे पहुंचने वाले थे. नेक्स्ट है बिगेन टू, लगा, लगी या लगे के अर्थ में इसको हम यूज करते हैं. सब्जेक्ट बिगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसमें जैसे बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट के लिए इसको यूज करते हैं, तो इसका लगा, लगी या लगे के अर्थ में, जैसे हमने कहा ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू क्राई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. इन सभी के नेगेटिव फॉर्म में बन सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में भी ये यूज हो सकते हैं. तो सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही बिगेन टू क्राई, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, वह रोने लगा, वह रोने लगा. अब इसको अगर नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो फिर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिगिन, ही बिगिन टू क्राई, ही डिड नॉट बिगिन टू क्राई. ओके, नेक्स्ट है यूज्ड टू, करता था, करती थी, ये बहुत बार यूज होता है. यूज्ड टू, सी सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आप एग्जांपल के तौर पे लें, दे यूज्ड टू ड्राइव, दे यूज्ड टू ड्राइव अ कार, वह एक कार चलाया करता, वे कार चलाया करते थे, ठीक है, दे यूज टू ड्राइव ए कार. तो ये मॉडल्स में भी यूज होते हैं और हमारे नॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश है उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं. कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये चीजें यूज हमें करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान पे एक बार रिवाइज करोगे तो अपने आप की चीजें याद हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच.